ठीक है मैं आपको आज इस समय यहाँ पे। हाँ बस आपसे कुछ बात करनी थी। बात सब ठीक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सब ठीक है। कॉलेज में सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक है। अच्छा बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? नहीं डैड। क्या हुआ? मैं कब से देख रहा हूँ तुम परेशान हो किसी वजह से और कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। क्या हुआ? जस्ट बोलो। क्या हुआ? जस्ट बताओ। डैड बचपन में मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और आपने मेरी हर गलती को माफ़ किया है। हाँ क्योंकि मैं जानता था कि गलतियों से इंसान सीखता है पर आज ये सब बातें क्यों? डैड कई दिनों से मुझे एक बात परेशान कर रही है। आपको कौन सी बात? याद होगा कि कुछ दिनों पहले मेरा मोबाइल खो गया था और आपने मुझे अपना मोबाइल दिया था यूज़ करने के लिए। हाँ याद है। मुझे आपके मोबाइल में कुछ मैसेजेस मिले। उन मैसेजेस को पढ़ के आई वॉज टोटली ब्लैंक। बार बार बस मॉम का ही ख्याल आ रहा था और सोचती कि आप मॉम को चीट नहीं कर सकते। मैं नहीं जानना चाहती कि वो कौन है और आपने ऐसा क्यों किया। मैं समझती हूँ, अगर मैं नहीं समझती तो शायद अभी तक मॉम को बता चुकी होती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मॉम इस बात को सह नहीं पाई। मैं जानती हूँ कि जो शायद प्यार आपको मॉम से मिलना था वो किसी और से मिला। मॉम के साथ लगातार झगड़ों के बाद भी आपने हमारे हर जरूरतों को पूरा किया एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन डैड मैं आपसे सब इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और मैं आपकी इस गलती को कैसे माफ करूं?